मुश्किल बड़ी डगर, हारे का साथ देने की मुश्किल बड़ी डगर, मेरे शाम मेरे शाम। हारे का साथ देने की मुश्किल बड़ी डगर, हारे का साथ देने की मुश्किल बड़ी डगर, देकर के दान शीश का वो हो गया मैं, देकर के दान शीश का वो हो गया मैं, और फिर इनसे कहिएगा कि बाबा शाम थारी चौखट पे, ओ, 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 शाम थारी चौखट पे आयो हूँ मैं हार के, शाम थारी चौखट पे आयो हूँ मैं हार के, नायक बना लो पूरे हाथ और मिलके सब कहना है एक साथ, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, बोलो ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। ये पब्लिक की आवाज नहीं, मुझे प्रेमियों की आवाज सुननी है। एक बार दोनों हाथ पूरे पूरे उठा लीजिए, पूरे पूरे हाथ। पब्लिक की आवाज़ नहीं चाहिए, प्रेमियों की आवाज़ चाहिए। जिसको जिसको बाबा से प्रेम है, जितना प्रेम हो उस प्रेम के हिसाब से बोलो एक साथ, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय। एक बार और बोलिए प्रेम से, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, विश्वास अटूट हो कि कल भी बुलाते थे तो बाबा आते थे, आज भी बुलाते हैं तो बाबा आते हैं, और कल भी हम बुलाएंगे तो बाबा को आना पड़ेगा। आओ एक बार दोनों हाथ पूरे पूरे सीधे सीधे उठा के तालियों की सेवा मिलके प्रेम से एक साथ, एक दो तीन। बना लो हारे दरबार के, लायक
क्योंकि आज मानो कल मानो परसों मानो लेकिन क्या जीवन के अंतिम समय में मानो एक बात तो माननी पड़ेगी। सुख में तो जगियो सारो साथ निभावे है पर दुखड़े में डगमग है नैया हमारी डगमग है नैया हमारी बिना पतवार के लायक बनायो व्याकुलता कैसे हमें किसी पे विश्वास नहीं ना इंसान पे ना भगवान पे हमारे अंदर पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है कि हमने कोई अर्जी लगाई तो हमारे अंदर वो एक विश्वास हो कि नहीं अर्जी पूरी बाबा हमारी करेंगे ही करेंगे वो विश्वास ही नहीं है। यही है दिक्कत जिस पे नजर पड़नी चाहिए उस पे है नहीं पर तालियों से सेवा करो करो। नादानी जी को जलाए व्याकुलता बढ़ती जाए नादानी जी को जलाए व्याकुलता बढ़ती जाए बैरी मोहन मन मेरा मुझे क्या क्या रंग दिखाए बैरी मोहन मन मेरा मुझे क्या क्या रंग दिखाए रंगों के रंग महल में रंगों के रंग महल में मुझे नित नए सपने आते ये कैसा दोष हमारा हम गलती करते जाते ये कैसा दोष हमारा हम गलती करते जाते तुम पग पग पर समझाते हम फिर भी समझ न पाते तुम पग पग पर समझाते हम फिर भी समझ न पाते ये कैसा दोष हमारा कैया रूसिया बैठा हो कैया रूसिया बैठा हो बोलो जी कुछ बोलो जी रीस करो क्यों टाबर से आख्या तो प्रभु खोलो जी झुर झुर रोवे मनड़े रो पंछी आ नहीं नहीं तुम्हारा स्थान यहाँ है यहाँ नहीं है और तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे जैसे हर बच्चे का अलग पता नहीं मेरा क्या एक अलग सा है या हो सकता है कि मैं अपने बच्चे से हमेशा दूर रहती हूँ उस वजह से मुझे से जितने बच्चे मिलते हैं मुझे लगता है बस मैं सबको भैया ये बैकग्राउंड सैड म्यूजिक मत दो नहीं तो मैं रोने वोने लग जाऊँगी ये बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत इफेक्ट पड़ता है दिमाग पे झुर झुर रोवे मनड़े रोपन हिबड़े ना आधार खिवैया बन जाओ हे गिरधारी कृष्ण मुरारी नैया कर दो पार खिवैया बन जाओ। मैं एक निवेदन और करूंगी आपसे आज तो नहीं तो मैं कभी नहीं कहती मुझे बुलाओ ना बुलाओ देखो सबसे बड़ी बात है कि काम जो है ना वो ये देता है जिस दिन तक इसकी मर्जी होगी उस दिन तक आप खूब जम के काम करोगे और जिस दिन उसकी मर्जी नहीं हुई ना
तो चाहे आपके अंदर लाखों हीरे मोती लड्डू पेड़े सब हो ना, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि इस दरबार में ना एक चीज मैंने नोटिस कर ली कि जितने नालायक है ना सबसे ज्यादा कृपा उन्हीं पर है। तो अपन क्या है नालायक कैसे? हमारे को संगीत का सब याद है क्या? संगीत की ABCD भी पता है हमारे को? नहीं मालूम है, बिल्कुल नहीं पता। दूसरों की बात नहीं कर रही मैं, अपनी बात कर रही हूँ। और जिनको पता है उनके ऊपर बाबा की कृपा कितनी है वो आप सब देख रहे हो। और हम जैसे जिनको कुछ नहीं आता फिर भी उनकी तो कृपा है ही, पूरे श्याम परिवार की भी कृपा है, पूरे श्याम परिवार का भी प्यार मिलता है, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। इंसान को दूसरों से झूठ बोलना चाहिए, कम से कम अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दूसरों से झूठ बोलने के चक्कर में अपने आप से झूठ बोलते, बाबा से झूठ बोलते, ऐसा पाप नहीं करना। ये मैं अपनी बात कर रही हूं। नैया तो पार हो ही रही, नैया पार हुई, बाबा ने हाथ पकड़ा। हाँ मैं कुछ और कह रही थी, मैं कह रही थी एक बार जैसा वो शंभूगढ़ का माहौल था ना, कभी अगर वैसा माहौल वापस से बनाने की इच्छा हो तो फिर उस दिन रेशमी को पक्का याद रखना। शायद जैसा आनंद पिछली बार आया था वो उससे 10 गुना ज्यादा आनंद अगली बार आए। और आज थोड़ा सा जो आनंद कमाया उसका कारण बताऊं, पिछली बार आपके और हमारे बीच में इतनी दूरी नहीं थी, ये ज्यादा जो हाइट है ना भगवान ने 5 फुट 8 इंच जैसी हाइट दे दी। बचपन में कॉम्प्लान पीपी की आप ही लोगों के, चलो मम्मी पापा ने कॉम्प्लान पिलाया था मेरे भाई, क्या जरूरत। और सबसे बड़ी बात एक बात बताऊं, कभी भी ना स्टेज की हाइट बाबा के दरबार की हाइट के बराबर मत करना। हमारी औकात नहीं है कि हम इनके बराबर में आके खड़े हों। आप लोग इतनी ऊंची स्टेज बना देते हो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम इनके बराबर में आके खड़े होते हैं।